हेलो फ्रेंड्स आपका अपने रेखा नारायण वुमेन इन बेबी केयर चैनल में बहुत स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं बुखार की कि बुखार में आपके पास ऐसी कौन सी दवाई होनी चाहिए साथ ही साथ एक घरेलू नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगी इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और यदि आप कुछ भी दवाइयों के विषय में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्योंकि मैं एक फ़ार्मासिस्ट हूँ साथ ही साथ मुझे घरेलू नुस्खे आजमाने में बड़ा ही आनंद आता है साथ ही साथ मैं लोगों को ज़रूर बताती हूँ कि हमारे जो घर में हैं किचन में सामान है आप उनसे अपना इलाज कैसे कर सकते हैं तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कई बार अक्सर मौसम बदलाव के कारण बुखार हो जाता है कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अब कई बार थकान से या कमजोरी से कई बार बुखार जो है हो जाता है तो आपके पास ऐसी कौन सी एक पिल होनी चाहिए यानी कौन सी एक दवाई होनी चाहिए आपके फर्स्ट एड बॉक्स में जिसको आप रख सकें बुखार की एक शुरुआती दौर पर अगर बुखार चढ़ता है तो आपके पास कौन सी दवाई होनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है इमरजेंसी हो जाती है और हम लोग बाहर नहीं जा पाते तो आपके पास अगर दवाई नहीं होगी तो आपको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ेगा या फिर आप कहीं बाहर गए हैं आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपके पास दवाई नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी तो उसके लिए आपको ऐसा कौन सा दवाई जो है आपको अपने पास रखनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है बुखार की देखिए वैसे तो हम प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ देते हैं लेकिन ये होता है कि जो माइल्ड दवाइयाँ होती हैं जो कि हम बच्चों को भी दे सकते हैं बड़ों को भी दे सकते हैं बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं तो आपके पास एक दवाई कौन सी आप रखें जिससे कि समय पड़ने पर आप उस दवाई का यूज़ कर सकें उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है ये पी सी एम पैरासीटामोल ये दवाइयाँ डॉक्टर्स भी शुरुआत में प्रिस्क्राइब करते हैं यदि आपको बुखार चढ़ा है क्योंकि सबसे बढ़िया और सबसे जो शुरुआती दवाई दी जाती है ये पीसीएम दी जाती है ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर होनी चाहिए हमेशा आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं आ, या कहीं गए हैं तो आप इस दवाई को जरूर अपने पास रखें हालांकि भगवान करे सब स्वस्थ रहें लेकिन ये मेरे कई फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आप सभी को ये जानकारियाँ भी देती रहूँ कि कौन सी दवाइयाँ शुरुआती दौर में आपके पास होनी चाहिए जिससे कि कभी अचानक से कोई समस्या हो तो आप उस दवाई का यूज़ कर सकें तो ये दवाई कैसे लेनी है ये एक गोली अगर बच्चा चौदह साल से ऊपर है या बड़ा है तो आप इसको एक गोली ले सकते हैं छः घंटे के अंतराल पर आप इस गोली को लेंगे छः घंटे से पहले इस गोली को नहीं लेंगे बाई अब आपका शुरुआती बुखार है तो ये बुखार उतर जाएगा अगर बाई चांस आपको डेंगू है या निमोनिया है या वायरल है कोई और है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श करके और फिर अपनी दवाई लेनी पड़ेगी लेकिन शुरुआती दौर पर पी जो है सबसे बेस्ट दवाई है इसको आप यूज़ कर सकते हैं ये तो हमारी हो गई पी सी एम और ये महंगी भी बिल्कुल नहीं है ये पूरा पत्ता दस रुपये का है और आप इसको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं अब हम बात करते हैं कि हमारा घरेलू नुस्खा क्या है क्योंकि हमारा चैनल तो घरेलू नुस्खों पर ही आधारित है ये तो मैं अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे आपको धीरे धीरे करके इस सीरीज़ में बताती जाऊंगी कि आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए क्या क्या सामान होना चाहिए तो ये हमने बात की आज आपके साथ पीसीएम की तो अब हमारा घरेलू नुस्खा हम सुनते हैं कि अगर किसी को बुखार हो गया है तो वो कैसा कैसे शुरुआती दौर में उस बुखार को उतारने की कोशिश करे साथ ही साथ क्या घरेलू नुस्खा अपनाएं उसके लिए आपको पाँच से छः तुलसी के पत्ते लेने हैं और तुलसी के पत्तों का एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है ये चाहे आप सिलबट्टे पर बनाएं या खरल में बनाएं जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें आराम से बना लीजिए उसमें एक चम्मच शहद और सात से आठ बूंदें अदरक के रस की डालें और जो भी पेशेंट हो जिस जिनको भी बुखार चढ़ा हो आप उसको चटा दीजिए ये दिन में तीन से चार बार आपको करना है तो बुखार जो है बहुत इजीली उतर जाएगा अब दूसरा जो एक और नुस्खा है कि यदि आप रेगुलर एक पत्ता तुलसी का तोड़कर और पानी के साथ गटकते हैं तो आपको बुखार होने का चांस ही नहीं है क्योंकि तुलसी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बुखार को चढ़ने नहीं देते और बहुत यदि किसी को हो गया है तो बहुत जल्दी उतार भी देते हैं तो ये आप छोटे छोटे घरेलू नुस्खे कीजिए आजमाएं और यदि आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं पूछ सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी जानकारियां ही हमारे बचाव का कारण बन सकती हैं हम बच सकते हैं बीमारियों से शुरुआती बुखार को शुरुआती दौर में ही यदि हम रोक देते हैं तो आगे जो है दिक्कत बहुत कम होती है तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ये पी का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहें स्व